अब आप बोलोगे क्या 400 सांसद हमारे जीतेंगे? आराम से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सन्यासी और संत हमारे साथ हैं। इस बार एक बहुत बड़े संत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने तो संकल्प ले लिया, उनके जैसे 70 और संत हैं, उन्होंने भी संकल्प ले। मैं आपको कुछ संतों के नाम गिनाऊं जिन्होंने ये संकल्प लिया। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, भारत माता मंदिर वाले, उन्होंने संकल्प लिया। एक दूसरे सन्यासी हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, उन्होंने संकल्प लिया। एक तीसरे संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, पहले उनका नाम था आचार्य किशोर जी व्यास, अभी उनका नाम है गोविंद देव गिरी, संन्यास लिया हुआ। और एक चौथे बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम। पांचवें एक संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक है परम पूजनीय रमेश भाई ओझा। ऐसे 70 संत हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि 2014 के चुनाव, और मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि ये सब संतों के कुल भक्त जितने हैं वो इकट्ठे होकर अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे। तो असंभव नहीं है, जब ये संत उतर पड़ेंगे तो फिर कौन रोकेगा इनको? तो ये सांसद तो जीत जाएंगे, कानून भी बनेगा, और ये सांसदों पे कंट्रोल सब संतों का रहेगा, और ये आगे पीछे देखेंगे तो तुरंत इनको वापस बुला लेंगे। एक कानून के साथ इनको हम भेजेंगे, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबके सिर पे तलवार लटकती रहेगी काम करना, नहीं तो जाना क्यों वहां पे? कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है वहां। तो ये तो करा लेंगे हम, कानून बना देंगे, पैसे आ जाएंगे, फिर पैसे आने के बाद देश में उसको गांव-गांव में खर्च करना, हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं उस पैसे से। जैसे भारत के गांव में कपास पैदा होती है वहां पे खादी बनाएंगे, भारत के गांव में जहां गाय है वहां गोमूत्र से दवा बनाएंगे, जहां